एंट्री कमेटी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 3 जुलाई यानी कल एक बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में यूसीसी पर ड्राफ्ट तैयार कर रहे लॉ कमीशन को भी बुलाया गया है। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में 31 सांसद और कमेटी के सभी मेंबर्स शामिल होंगे। सभी से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनकी राय मांगी जाएगी और उन पर विचार किया जाएगा। यूसीसी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष सुशील मोदी ने जी बिहार झारखंड से बातचीत के दौरान कहा कि विपक्षी दलों में से आम आदमी पार्टी ने यूसीसी पर अपनी सहमति जता दी है और कांग्रेस का रुख अभी सामने नहीं आया है। वहीं सुशील मोदी ने कहा कि इस बैठक में सभी दलों के 31 सदस्य हैं, जिसमें 9 सदस्य राज्यसभा के और बाकी 22 सदस्य लोकसभा के हैं। हमारे साथ सुशील मोदी जी हैं। 3 तारीख को सुशील मोदी जी बैठक करेंगे यूसीसी पर, और इनके सामने क्या चुनौतियां होंगी हम उस पर बात करते हैं। सुशील जी, आप बैठक करने जा रहे हैं, बैठक की अध्यक्षता करेंगे, तो आपके सामने संवैधानिक क्या चुनौतियां होंगी? देखिए, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है लॉ एंड जस्टिस की, जिसके दायरे में पर्सनल लॉ आते हैं और जो लॉ कमीशन वो भी इसके दायरे में आता है। उसमें सभी दलों के लोग हैं, 31 सदस्य हैं, जिसमें 9 सदस्य राज्यसभा के और 21 सदस्य या 22 जो हैं वो लोकसभा के हैं। तो जो 21वें लॉ कमीशन ने कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो परामर्श पत्र निर्गत किया था, जो कंसल्टेशन पेपर, जिसको कि वर्तमान विधि आयोग ने लोगों से 1 महीने का समय दिया कि लोग अपनी राय दे सकते हैं, तो ये बैठक कल बुलाई जा रही है समझने के लिए कि कंसल्टेशन पेपर में क्या है, क्योंकि करीब 180 पेज का वो परामर्श पत्र है जिसमें 21वें विधि आयोग ने कॉमन सिविल कोड के बारे में विस्तार से अलग अलग पक्षों की राय जानने के बाद अपनी बातों को कहा है। तो ये बैठक का उद्देश्य केवल समझना है, जानना है। बाकी देखिए, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर सकता हूँ, चूँकि चेयरमैन की अपनी एक सीमा होती है और एक नॉन पॉलिटिकल बॉडी है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है। लेकिन सुशील जी, जिस तरह से पूरे देश के विपक्ष इकट्ठा हो रहे हैं और वो लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि यूसीसी के आने के बाद क्या स्थितियां होंगी? नहीं देखिए, अभी तो और थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अभी तो सारी पार्टियों का, अधिकांश पार्टियों का ये कहना है कि जो इसका और ब्लूप्रिंट सामने आ जाए तब इसके बाद कोई रिएक्शन देंगे। अभी TRS का बयान आया है, शरद पवार जी की पार्टी का बयान आया है कि और इसका ब्लूप्रिंट आ जाए हम लोग के सामने कि क्या वास्तव में होने वाला है, तब हम लोग इस पर रिएक्ट करेंगे। सुशील मोदी जी, 3 जुलाई को इसकी बैठक जो यूसीसी पर होने वाली है संसदीय, उसके अध्यक्षता करेंगे, हमारे साथ है, और उन्होंने खुलकर कहा कि अभी जो चेयरमैन की का दायित्व है उसको लेकर के अभी अधिक कुछ नहीं कहेंगे, बाकी जो मसौदा है उसको लेकर के जब बैठक हो जाएगी उसके बाद ही उस पर पूरी तरह से वो कुछ कह पाएंगे। कैमरामैन शाहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया।